आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह से यहाँ पर एक क्लॉक का यानी कि अलार्म का आइकन शो हो रहा है तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं, यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में आपको एक क्लॉक का ऑप्शन ढूंढ लेना है जिस पर एक घड़ी सा बना हुआ होगा। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपको अपना क्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में जो भी फोल्डर बने हुए हैं इस तरह से ऐप के फोल्डर, इनमें आपको ज़रूर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर में है एक ऑप्शन क्लॉक का, तो यहाँ पर आपको इसे ढूंढकर इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अलार्म का, अलार्म पर टच कर दीजिए तो यहाँ पर आपको दिखा देगा आपके इस तरह से ये सारे ऑन होंगे और आपको यहाँ से इन्हें इस तरह से बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम इन्हें टर्न ऑफ कर देते हैं। इन्हें बंद करने के बाद अगर आपका आइकन ये फिर भी रिमूव नहीं होता है यहाँ से तो आप इन सबको एक बार दोबारा चालू करिए और दोबारा से बंद कर दीजिए और अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहाँ से क्लॉक का आइकन यानी कि अलार्म का आइकन हट जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।